सीएम था या कोई नहीं, तो सीएम तो गद्दार था, उसका दादा भी ना गद्दारी करी उसने, उसका परदादा भी ना गद्दारी करी, जो किसान ना की राजनीति, हम दो कांग्रेस के वोट जाएंगे हुड्डा के पास, और उस जो हुड्डा टिकट बांटेगा तो उसका हल्का में उसके भी वोट देंगे, उसका हल्का में टिकट देगा नहीं हुड्डा उसके वोट देंगे, जिसने दिन दो कुत्ता ने दे दी उसके वोट डाल लेंगे, जो बीजेपी में रहा होगा उसने दिवांगे, कोई हो कितना ही गंदा हो, लेकिन जो बीजेपी में रहा होगा उसको देंगे, क्योंकि पहले तो इसको कुर्सी पर तरना है, संविधान बचाना है, रोजगार भूख। पर मैं हूं श्याम सुंदर, आप देख रहे जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज जो वोट शीट है हरियाणा की, उसके अंदर हाँ उचाणा जो सीएम सी टीवी का आ जाता है, इसके अंदर अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों में वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। आज जो अलेवा गांव है उचाणा का है ये, और इसमें पूछांगे जो ताऊ जी हमारे साथ, क्या अब की बार क्या करेंगे ये, बीजेपी से जो काम बीजेपी ने करे वो ठीक करे हैं या आने वाले टाइम में दूसरी पार्टी को रखते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी आपके दर्शकों को भी। अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है बीजेपी, इसके काम आपने कैसे लगे? जीरो है ना, तो बिल्कुल जमा जीरो कह रहे हैं ये जी, आप ये जीरो कह रहे हो, आप ये 400 पार ये कह रहे हैं, ये तो 800 पार भी कर देंगे ना, आर्थिक बात से 800 सीट भी कोई नहीं, उन बढ़ा देंगे है सुधा राज्यसभा की मिला के बना लेंगे की बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो ऐसी इसमें सीएम सिटी का आ जाओ, सबसे हरियाणा क्या नहीं है हमारा जी, नहीं सीएम सिटी करनाल का इलाका है, नहीं दूसरी जो तो गद्दार था, उसका दादा भी ना गद्दारी करी उसने, उसका परदादा भी ना गद्दारी करी, जो किसान ना की राजनीति करे करते, जो बीजेपी के लिए लग रहा था। हाँ और सीख नहीं है उन्होंने, मारण जी चौटाला यहाँ से आ रही सार से, क्या उनको कितने वोट मिल जाएंगे? देखो वोट की तो ऐसा है, लोग बदलाव चाहते हैं, अब कितना चाहे है उस पर डिपेंड करेगा, अपन कैसे गिने देंगे आप उसको इतनी वोट आऊंगी, लेकिन लोगों में बीजेपी के खिलाफ भारी रोष है, भारी। और खास तौर पर जब 2020 में जब किसान आंदोलन चला था, जब तक लेकर आज तक किसान की परेशानियां बढ़ी हैं, कमी हुई है, खाद मारा घट गया, पैसे वहीं खड़े हैं, 10 किलो खाद गया, दूध पे दही पे घी पे हर एक चीज पे जीएसटी लगा दी 18% की, ब्याज पे तो रुपये दे 100 रुपया में दो चा हुआ, और वो 100 रुपये लेकर 18 खाजे मारे, तो सरकार ने कुछ करे ही नहीं, बस ये आ रही नहीं, रेल आ रही नहीं, बिजली आ रही नहीं, सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे दिया, रोजगार कहां से मिलेगा? ये कह रहे विकास हम अब की बार जितना 70 सालों विकास नहीं होता, अब की बार विकास हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उनको भी आपको भी, हरियाणा में कोई एक यूनिवर्सिटी लगाई हो इन्होंने, कोई एक पीजीआई बनाई हो इन्होंने, कोई एक मेडिकल कॉलेज खोल लिया हो इन इस सरकार में, तो फिर विकास कहां से हो गया? रोडी बिछाने से विकास नहीं होगा, विकास काम के लिए होगा। केएनपी भी निकले और रोड भी निकले, फोर लाइन भी निकली है, जड़ को लिकड़ी है नहीं, मैं पता नहीं कहां के गुजरात के ठेकेदार थे, आंध्रा के ठेकेदार थे, बंगाल के ठेकेदार थे, जम्मू कश्मीर के थे, उन्हें रसी उतारी हमारे किसी तो हमारे तो किल्टे हो गए, और जो दो दो तीन तीन किले थे, तीन तीन चार चार उसमें हिस्सेदार थे, दो दो तीन तीन लाख रुपया कुछ बढ़ रहा नहीं उनका, और दूसरी बात करिए रोड मारे लिए तो है नहीं, हम तो आपके साथ नहीं चलेंगे, कौन नहीं चलेंगे, जब हमारा साधन तो ट्रैक्टर है, हमारा साधन मोटरसाइकिल है, वो सड़े नहीं सकते इस पर, ये तो अमीर लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। केजरीवाल ने जेल में गेट दिया, तो अब की बार कांग्रेस ने वोट दोगे या जेजेपी ने दोगे? जो बीजेपी में रहा होगा उसने दिवांगे, कोई हो कितना ही गंदा हो, लेकिन जो बीजेपी में रहा होगा उसको देंगे, क्योंकि पहले तो इसको कुर्सी पर तरना है, संविधान बचाना है, रोजगार भूख बाद की बातें हैं, पहले तो संविधान बचा, संविधान बचेगा तो हमें रोजगार भी मिलेगा, भूख भी मिट जाएगी, और जब संविधान में नहीं बचा तो फिर कहां था? आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह जी। जो पंचल की 5100 रुपए करी थी पंच ने, कहा मेरे जब मैं सीएम पद पे बैठूंगा 5100 रुपए पंच दे दूंगा, आपको मिली क्या? हम दो कांग्रेस के वोट जाएंगे हुड्डा के पास, और उस जो हुड्डा टिकट बांटेगा तो उसका हल्का में उसके भी वोट देंगे, उसका ना हल्का में टिकट देगा नहीं हुड्डा उसके वोट देंगे, जिसने दिन दो कुत्ता ने दे दी उसके वोट डाल लेंगे। अब एक और नहीं आई है, राजकुमार सैनी का भी विलय हो गया इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर क्या अगर जो नहीं, नहीं, तो नहीं होया आड़ा को नियम दो जाना लगा था, जोशियत भी खड़ा हुआ एक वोट नहीं देंगे, जोशियत ने नाम दिन देंगे हमें, पिछले चुनाव में हम लोग प्रदूषण की तो जय जयकार असली योजना बना दिया, जो बुका आकर ले गया हमारा वोट, हाँ जो बोला दूसरा थे बिल्ला ला गया,
हिसाब से वोट लेगा, नीति पर्चे नहीं थे। अबे चौटाला ठीक लाग गया अपने को, यानी कुलसा ठीक कुलसा खलने के नहीं, तो एक सकी के है ये तो बम ने पुकारे हैं बस। तो फिर काम कुम नहीं हो, अब कोई काम नहीं हमारा। अच्छा हम ही बैठे हैं पांच साल हो गए कुछ नहीं। अच्छा अब की बार तो माने कुछ नहीं होया, खाली है बैठे हो। आए देखो हमारी सरकार बदल गई तो आके देखो क्या कर रही है। करीब का कौन सी सरकार ले आओ, कांग्रेस की क्या लाग रहा, कांग्रेस का उसने वोट देंगे पचास खड़े हो जाए। इसने आवाज ही कांग्रेस का तो होगा, बलिंदर खड़े हो कि मैं खड़े हो, हम तो कांग्रेस के जाएंगे। हाँ की बात पूरे नाराज हो। हाँ लोग इतने क्यों नाराज हो गए दूसरे चौटाला, उसने तो कहा अभी उसकी एक पीस आई थी अगर भाई जो बीजेपी के साथ हमने वादे किए थे किसानों के साथ जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं करे, इस करके हम उन तन्यारे पार्ट गए और ईब ईब तो वो उन तन्यारे भी पार्ट के बीजेपी, तब तो आपने वोट देने चाहिए। बात सुनो, जब हम मुसीबत में थे दोहरी मुसीबत, एक अन्य हमारा सरकार लठ मार रही थी और एक अन्य कोरोना था, घर तो बाहर नहीं निकला जाता। उस टाइम से लेकर आज तक दुष्यंत ने एक बार भी किसान वर्ग की बात नहीं करी, जिस वर्ग से वो आता है, जिसकी राजनीति करता है। बल्कि आपको एक और बताऊं मैं, 13 महीने के बाद जब मोदी ने कानून वापस लिए, घोषणा करी, रोया, माफी मांगी, उस टाइम पे 8 बजे घोषणा कर ली, एक बार तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और आप खुशी खुशी घर आ जाइए और मैं किसानों से माफी मांगू। उस टाइम पे ठीक 1 घंटे के बाद इसका बाप का इंटरव्यू आवाज है चौटाला का, बोला कानून उल्टे नहीं कर दे। अच्छा। तो फिर इसको विश्वास किस बात का करेंगे। दूसरी बात 75 पार की बात, जमुना पार की बात करी, जाके 10 के 10 उनकी जोड़ी में डाल दिए, ये नारा बैठे होगा वही तरह जी सरकार बनी तो जिसकी बनो। रही बात ये कहता मेरे पार्टी का विधायक टूटना खतरा था, वो तो आज भी टूट गए, आज भी 4-5 गए, अनूप दानक है, बबली है, गौतम है, वो तो आज भी उतने भी जाना जाने दिंदा, लेकिन लोगों में जिसकी राजनीति करूं उनको मैं रहना जरूरी है। रही बात अलेवा गाँव की, अलेवा गाँव इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव है अलगते का। हाँ उचाना हल्के ने 47,000 वोट थे दुष्यंत को जिताया था, इसी तो आस में जिताया था भी कुछ करेगा। एक और चल रहा है, जब एक तो लोग तो चाहते बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन सरकार की अभी तक चुनाव की मशीन वोटिंग मशीन नहीं हो रही है, तो आप इससे वोटिंग बैलेट पेपर पर होगी, ज्यादा भी नहीं होगी नहीं तो 25% संदूकिया की वोटिंग बैलेट पेपर पर होगी, ये प्लान है। अगर बैलेट पेपर नहीं आता आ रहा लिया ना, हमें देना किसने, वो हमने बनाना है, आपने मन इसने उसने जो फार्म भराएंगे 500-500 फार्म भराएंगे कंस्टिट्यूएंसी पे। अच्छा। या तो मशीन से पड़ जाएंगे उसकी, या तो वो मशीन कैंसिल करनी पड़ेगी, बंदे और कड़िया ले जाएंगे, बैलेट पेपर पर करवाओ। चौथा हिस्सा 25% 135-140 का लगभग सीटें ऐसी बना देंगे इस देश में, इस इलेक्शन में, कि वहां मशीन हर हालात में उठानी ही पड़ेगी। अगर वहां करती तो देश के जो 3 हिस्से और बच गए वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, क्योंकि 55 लाख ही है हमारे पास, उससे ज्यादा है नहीं। और जहां एक ही यूनिट चाहिए है और वो 10 टिकेंगी तो फिर वो कितनी जगह काम करेंगे, वो चौथे हिस्से भेजेंगे। क्या भी किन केजरीवाल जेल में गया ईडी के थ्रू, तो क्या वो सही भेज दिया? गलत है, गलत है। देखो केजरीवाल IIT पास है, SRCRS ऑफिसर है, वो बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है, उस पर इस डर का ब्लेम लगाना, एक शराब नीति बनाना, क्या हरियाणा में शराब नीति नहीं है, अपन के रवा गलत से सही है, फिर दिल्ली वाले का अपन के व्यक्ति गलत से सही है। रही बात नीति सरकार का काम होता है बनाना, उनकी अपनी पॉलिसी लागू करना, जैसे इसने कह दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा CSC पे पोर्टल करवाओ, अब वो दिल्ली वाले की मर्जी हो तो किन्हें कहो, लेकिन एक तो कुछ कहो, अरे एक ने दबा कर रखा, ये सरकार की तानाशाही रवैया है। मैं आपको आज के बताऊं, ये भी कि आपका मोबाइल पर काट के देख लो, आज दिल्ली में 2 जगह प्रदर्शन है, आज बड़ा प्रदर्शन है प्रधानमंत्री का आवास के गिराव के लिए, उनको तो डिटेन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं प्रोटेस्टर पर, केजरीवाल इस्तीफा दे उसका दफ्तर भाग गए, वहां 10 पुलिस वाले नहीं है ऑफिस पे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मोदी के रास्ते में जाने वाले, जैसे अकबर रोड था, लोधी रोड था, और भी कई रोड हैं, सफदरजंग रोड है, उन पर सब पर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी, आप देख लो बैठ गई फोन पे, तो इससे बड़ा डिक्टेटर होगा कौन? मैं एक और पूछना, जैसे संविधान में लिखा कोई भी प्रोटेक्ट कर सकता है अपने अधिकार के लिए, उसको अधिकार है पूरा, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन किसानों को भी रोका जा रहा है, झूठ का अधिकार है, कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता, कोई किसान आंदोलन नहीं कर सकता, कोई मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, अधिकार कहाँ रह गया, सिर्फ लिखित में रह गया वो, अरे कई बैठ के बन गया तो पैर दे सारे ने सिंगोल आ गया, तो जो राजे रखे कर दे, जिसका हाथ में डंडा उसे का राज।
ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। जो पहले राजा नहीं था, राजा ही एक छत्र था, वजीर मंत्री सिपाही आम पब्लिक कुछ नहीं थी, उसका डंडा चले करता और डंडा इतनी लागत रहती है म्यूजियम में, सिंगोर को निकाल लिया नहीं संसद में। दूसरी बात ये कहते हैं संसद की सुरक्षा बहुत बढ़िया इसकी, पैलिटी तो ज्यादा है क्योंकि पहले वायुमा से 10-12 साल पहले बढ़ गए थे लोग। इसी तरह से भी बच्चे ने दिखा दिया, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई देशद्रोही नहीं आज तक उनके खिलाफ, कोई उसका क्रिमिनल का कोई वो नहीं उसके खिलाफ चार्ज। और वो बच्चे ठहरे यूपीएम सूट थी, अरे उनको आवाज सुना गए थे, तब ध्यान आकर्षित करे थे रोजगार के लिए, यूएपीए लगा रखी उन पर, क्या मतलब ये? वो इस देश के हैं, उग्रवादी भी नहीं, कोई नजायज थे अन्य रखे हुए, तो स्मोक तो लेकर गए, तो कुछ नहीं था, जब मैं मरने होते बम्बे लेकर जाते हुए। कभी भी रैलियां होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने देश का पूरा विकास करा, किसानों का वो करा, 2000 रुपए खाते में डाल दिए, तो वो एक मेरी बात सुनिए, 2000 रुपए डाल दिए इसने खाते में, और ऐसे नहीं डलते बेवकूफ बना रही हूँ, 500 रुपये है एक दिन में, मेरे ख्याल से 15 रुपये 20 तक कम आऊंगा बांटने में, पंच से दो का मंडल दे रहा हूँ रोज का, पंच से दो का मंडल में गुजारा हो जाएगा, कहने के लिए 2000 बोल दी तो दे कितना है, 4 महीने 2000 महीने 500 हुए, झूठ क्यों बोल रहा 2000 देऊ मैं, कितनी बड़ी झूठ है, आमदे बना रखा सबको, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी आमदे हो रहे हैं, मतलब मोदी 2000 रुपये दे रहे दिन डे झूठ बोला है, हर 4 महीने 2000 दे रहे हैं, तो 500 रुपये निंदा है। अब की बार आपकी जो बीजेपी सरकार की नीतियां समझ में नहीं आ रही, समझ में। अच्छा, मारे पर लुटते हैं, अडानी हमारे होकर जाकर माफ करते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा सुभाष चंद्र बोस 5000 करोड़ रुपए करे, अडानी होकर कर रखे, मतलब 30,00,000 करोड़ रुपए माफ करे इसने। और वो किसान जो जुत्ती पे कपड़े पे बटन पे बीच पे जो सिलाई के लिए री लाई उस पर जो खर्चा कर रहा है, जो रोजाना GST दे तड़के से उठता है, पत्ती लिया हुआ है, पत्ती पे GST आपने दे रहा है, शक्कर लिया उस पर भी GST है, और दूध अगर व्यापार उसका ले होंगे नहीं पैकेट का, उस पर भी GST है। ये तो ठीक है, गम काम चल जाए, तेरे पे मेरे पे ले लिया हमने, नहीं 18% बता दिए, 18% तो मैंने बता दिया, ब्याज भी नहीं है, ब्याज ज्यादा से ज्यादा 2 का है, और सरकारी ब्याज तो 70% के आसपास है, और हमारे लिए इतनी बड़ी लूट मचा रखी 118, तो खुश कौन होगा इससे? कोई ऐसी चीज हरियाणा में तो बनाई नहीं जिसने नहरी कैस कही आपने बनाई दी, हाँ कह देंगे बोले अगर हम बैठेंगे पिल्सन बन जी है, अगर हम बैठेंगे राशन कार्ड बन जी है, मैं नहीं पूछू पहले राशन कार्ड नहीं थे क्या, उड्डे के टाइम पर राज नहीं मिला था, दाड़े मिली थी, मिट्टी का तेल भी मिला था, आज यू अखबार किस बात का बना, बोला 5 किलो फ्री दूंगी, वो फ्री हम दिए कर दे, और लोगों ने यहां मान रहे किरमान रहे लोग, लेकिन वो अंध भक्त है जिन्ना मोदी ही भगवान दिखाई दे है, ये कहते हैं नारा भी हम गए, कई आदमी कहेंगे बोले जो राम जी को लाया है हम उसको लाएंगे, ये लिया राम ने, अरे राम तो सदा सदी का था, सदा दिलों में राम था, बता दे सारे ये बात, तो इस करके लोग हम बहुत बड़ी नाराज हैं, अब की बार कांग्रेस का माहौल है यहाँ कुछ नहीं बेरा, जो इतने रहा होगा उसका माहौल होगा। अच्छा, तो फिर पार्टी तो दो है, एक तो गठबंधन में कांग्रेस है एक, या फिर बीजेपी, दो है, कोई और ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा है जो आदमी बनाने का हो, पार्टियां आप छोड़ना पड़ जाए की बात है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है यहाँ। अच्छा, इनेलो का रहेगा कुछ नहीं, इनेलो का भी कुछ नहीं ना, जेजेपी का ना उसका खत्म हो गया, ये तो एक परिवार 3 जगह कर दिया इसने मोदी ने, रंजीत कहीं है, अभय कहीं है, अजय कहीं है, तोड़ के बता दिए। इसी तरह से महाराष्ट्र में उस शरद पवार की पार्टियां क्या हुआ, अजीत पवार लेकर बच गया, उसका उद्धव ठाकरे की पार्टियां क्या हुआ, एकनाथ शिंदे लेकर बच गया, बिहार में नीतीश कुमार लेकर बच गया। इनका तो काम है छोटी पार्टियों को खत्म करना और बड़ी को ड्रैग रखना, इसलिए लोगों ने इनकी सब जानकारी होती है, लोग इनकी बुकाओं में बांध देनी है, लोग अपना अल्टरनेट होंगे जहां भी जैसा मिलेगा, जैसे कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का नहीं आएगा वहां देंगे लोग, इन और सीट आप अपने हिसाब से देंगे लोग। हाँ बिल्कुल, मैं एक बात जरूर मानता हूँ, चेहरे का थोड़ा इफेक्ट जरूर रहता है। अच्छा, अब की बार चेहरे ने देख कर वोट आगा, तो पार्टी देख कर आओगे 70% वोट। अच्छा, हाँ, और 10% आओगे चेहरा देख कर वोट। कुछ ने कुछ जो इनके लीडर थे कांग्रेस वाले, वो ही टिकट बीजेपी में ले रहे, क्या उनको मिलेंगे वोट? मतलब ही नहीं, उनको नहीं मिलेंगे, नहीं। बीजेपी को तो दिन दे किसान, तो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसान और मजदूर यही के बीजेपी को वोट नहीं देंगे, यानी कि पूरी नाराजगी है। हूं तो देखो।